हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर किक। माय नेम इज़ हर्षित शर्मा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी झांसी के बारे में। अब तक हम काफ़ी सारे कॉलेजेस के रिव्यू कर चुके हैं। हमने IIIT रांची का रिव्यू करा है, KNIT सुल्तानपुर का भी रिव्यू हमने करा है और कॉमिड के एग्ज़ाम पर भी हमने वीडियोज़ चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हैं। आप आई बटन पर जाकर वो वीडियोज़ देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे BIET झांसी के बारे में और देखेंगे कि BIET में कौन कौन से कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं, यहाँ का फ़ी स्ट्रक्चर कैसा रहता है, एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, पिछले साल की प्लेसमेंट कैसी थी और कट ऑफ्स कितनी थी पिछले साल की BIET झांसी की। सो चलो यार, स्टार्ट करते हैं वीडियो को विद एन इंस्टीट्यूट ओवरव्यू। इंस्टीट्यूट ओवरव्यू के लिए BIET झांसी इस्टेब्लिश हुआ था 1989 में और इंस्टीट्यूट टाइप की बात करें सो ये गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट है और अफिलिएटेड है AKTU के से। भले ही ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है बट अफिलिएटेड ये रहेगा AKTU से ही। आपको जो कोर्सेज और सिलेबस यहाँ पे देखने को मिलेगा वो AKTU कॉलेजेस की तरह ही यहाँ पर होगा। अभी 1989 में इस्टेब्लिश हुआ था सो इसका एलुमनाई बेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये गवर्नमेंट कॉलेज है तो यहाँ की फैकल्टीज़ काफ़ी एक्सपीरियंस्ड आपको देखने को मिलती हैं। कैंपस एरिया की बात करें यार तो कैंपस एरिया है 240 acres, काफ़ी बड़ा एरिया है, अच्छे खासे एरिया में कॉलेज को बनाया गया है। अब कनेक्टिविटी की बात करते हैं सो झांसी रेलवे स्टेशन से BIET झांसी 12 किलोमीटर्स दूर है और एयरपोर्ट झांसी में कोई एयरपोर्ट है नहीं, सो द नियरेस्ट एयरपोर्ट इज़ ग्वालियर एयरपोर्ट, वो 103 किलोमीटर्स दूर है। अब यार बात करते हैं कौन कौन से कोर्सेज़ हमारे अवेलेबल हैं BIET झांसी में। सो अ टोटल ऑफ 7 कोर्सेज आर प्रेजेंट। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ प्रेजेंट है, ECE, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल और सिविल जैसी कोर ब्रांचेस भी यहाँ प्रेजेंट हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे दो कोर्सेज पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर स्टार लगा हुआ है। स्टार इंडिकेट्स दीज आर सेल्फ फंडेड कोर्सेज। सेल्फ फंडेड मीन्स इनकी फीस बाकी कोर्सेज के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा होगी और सीट इनटेक भी यहाँ पर दिया हुआ है। सो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में टोटल 60 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, IT में 40 सीट्स हैं, ECE में 60 सीट्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 45 सीट्स हैं, इलेक्ट्रिकल में 60 सीट्स हैं, केमिकल में 30 और सिविल में 45 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। अब यार बात करते हैं BIET झांसी में एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सो BIET झांसी में आपको एडमिशन मिल जाता है AKTU काउंसलिंग के थ्रू। सो अगर आपने JEE मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और आपके पास JEE मेंस रैंक है सो आप UPSEE काउंसलिंग या जिसे AKTU काउंसलिंग भी कहते हैं आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उससे आपको BIET झांसी अलॉट हो जाएगा। ये कॉलेज AKTU से अफिलिएटेड है बट यहाँ पर मैनेजमेंट सीट्स अवेलेबल नहीं है, सो टोटल सीट इनटेक फिलअप होगा केवल काउंसलिंग के थ्रू। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने अपनी वेबसाइट पर दे रखा है, द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियरली पास्ड विदाउट ग्रेस द इंटरमीडिएट और 10+2 एग्जामिनेशन विद UP बोर्ड या फिर कोई भी इक्विवेलेंट बोर्ड जैसे कि CBSE हो गया, ICSE हो गया, सिक्योरिंग मिनिमम ऑफ 45% मार्क्स, यानी कि आपके 45% मार्क्स मिनिमम आने चाहिए बिना ग्रेस के, तब आप एलिजिबल हैं BIET झांसी में एडमिशन लेने के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फी स्ट्रक्चर ऑफ BIET झांसी। सो AKTU से अफिलिएटेड जितने भी बाकी कॉलेजेस हैं BIET झांसी का सबसे कम फीस यहां पर आपको देखने को मिलती है। सो आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर BTech फर्स्ट ईयर की फ़ीस आपने दे रखी है। ये फीस है जो नॉन सेल्फ फंडेड कोर्सेज हैं, ओके, एंड दिस इज़ द फीस फॉर सेल्फ फंडेड कोर्सेज। सो अगर आप हॉस्टल ऑप्ट नहीं करते हो यानी कि आप डे स्कॉलर हो तो आपका ग्रैंड टोटल रहेगा 61,800 rupees। बट अगर आपने सेल्फ फंडेड कोर्सेज ले रखे हैं जैसे कि IT या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सो आपको फ़ीस देखने को मिलेगी 76,800 rupees आपके BTech फर्स्ट ईयर के लिए। वहीं अगर आप हॉस्टल ऑप्ट करते हो सो नॉन सेल्फ फंडेड कोर्सेज के लिए आपको फ़ी देखने को मिलती है 71,400 rupees टोटल और सेल्फ फंडेड कोर्सेज के लिए यही फ़ीस है 86,400 rupees। फिर आप देख सकते हैं सेकेंड ईयर की फ़ीस, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर की फ़ीस। सेकेंड ईयर की फ़ीस फॉर डे स्कॉलर 55,000 है, सेल्फ फंडेड कोर्सेज के लिए 70,000 है। अगर आप हॉस्टल ऑप्ट करते हैं सो सेकेंड ईयर की फ़ीस रहेगी आपकी 65,400 और सेल्फ फंडेड कोर्सेज के लिए 80,000 और थर्ड ईयर और BTech थर्ड ईयर और फाइनल ईयर की फ़ीस आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो अब यार बात करते हैं पिछले साल की JEE मेंस की कट ऑफ क्या रही थी BIET झांसी के लिए। सो यहाँ पर हमने डेटा लिया हुआ है, सोर्स है admissions.nic.in, ये ऑफिशियल डेटा है पिछले साल की काउंसलिंग का, और हम यहाँ देख रहे होंगे राउंड 3 की जनरल कैटेगरी की कट ऑफ्स। सो दीज आर द ऑल इंडिया कोटा रैंक्स। सो BIET में कंप्यूटर साइंस के लिए पिछले साल क्लोजिंग रैंक थी 48,000। ये चीज़ ध्यान रखना कि मैं राउंड 3 की जनरल कैटेगरी की कट ऑफ बता रहा हूँ, कि नहीं आपने रैंक पिछले साल की गलत बताई है, वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो यार स्पॉट राउंड्स भी होते हैं, सो स्पॉट राउंड्स में काफ़ी एम्बिगुअस तरीके से रैंक्स इंक्रीज हो जाती हैं। मैं यहाँ राउंड 3 की जनरल कैटेगरी की कट ऑफ आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। सो कंप्यूटर साइंस के लिए कट ऑफ थी 48K, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो ब्रांच है उसके लिए कट ऑफ थी 59K, जो इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी ब्रांच है वो है 66K पर क्लोज हो गई थी पिछले साल, और बाकी की जो कोर ब्रांचेज हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ्स गई थी। मैकेनिकल में देख सकते हैं आप 1 लाख प्लस, केमिकल में भी 1 लाख प्लस। अब बात करते हैं यार जो होम स्टेट रैंक्स हैं उनके बारे में। सो होम स्टेट रैंक्स ऑब्वियसली थोड़ी ज़्यादा ही जाती हैं ऑल इंडिया रैंक से। सो कंप्यूटर साइंस की रैंक है 56,000, IT की रैंक है 61,000। सो जो पिछले साल की कट ऑफ थी IT के लिए होम ऑल इंडिया कोटा की वो थी 59,000, बट होम स्टेट के लिए वही हो जाती है हमारी 61,000। सो होम स्टेट वाले स्टूडेंट्स को ये फ़ायदा मिलता है। अब यार बात करते हैं पिछले साल BIET झांसी की क्या प्लेसमेंट्स रही थी। सो प्लेसमेंट्स के लिए हम BIET झांसी की वेबसाइट पर ही जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी हुई है उसी को यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। सो चलते हैं BIET झांसी की वेबसाइट पर। सो दिस इज़ द प्लेसमेंट ब्रोशर फॉर प्रीवियस ईयर, और ये PDF आपको BIET झांसी की ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं जोश टेक्नोलॉजी में CTC दिया था 9 से 10 LPA का, CSE से 4 स्टूडेंट्स प्लेस हुए थे, IT से 1 हुआ था, टोटल 5 स्टूडेंट्स जोश टेक्नोलॉजी से प्लेस हुए थे। इसी के साथ न्यूजेन है, इन्फोसिस है, इन्फोसिस सिस्टम इंजीनियर स्पेशलिस्ट, इन्फोसिस में पावर प्रोग्रामर, 8 LPA का पैकेज था, 5 LPA का पैकेज था, आप यहाँ पर 8.5 LPA का पैकेज था सोप्रा बैंकिंग का, L&T ने 6 LPA का पैकेज दिया था, HCL भी आई थी, Optum भी आई थी, Optum ने 7.78 LPA का यहाँ पर पैकेज दिया था, Byju's ने 6 LPA का पैकेज दिया था, और जो अच्छे और ज़्यादा अच्छे प्लेसमेंट्स हैं वो यहाँ पर हैं, 11 LPA का पैकेज दिया था EasyGov ने, और Instant ने 10 LPA का पैकेज यहाँ पर दिया था। BIET झांसी से Microsoft India और Google में भी प्लेसमेंट गई हैं। सो 45 LPA का प्लेसमेंट गया था Microsoft में, और Google में गया था 64 LPA का प्लेसमेंट, वो भी 2 स्टूडेंट्स का। सो प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छी हैं, बट एवरेज प्लेसमेंट वही आपका 6 और 7 LPA पर रहता है। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड गेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इंपॉर्टेंट कॉलेज रिव्यूज लाइक दिस। वन मोर थिंग, अगर आपको कोई भी काउंसलिंग जोसा CSAP UPSEE कोई भी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी है सो आप हमारे काउंसलर्स से नीचे दिए हुए नंबर पर बात कर सकते हैं, और हमने डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म भी दिया हुआ है, आप उसे फिल आउट कर सकते हैं, हमारे काउंसलर्स आपको खुद रीच आउट कर लेंगे आपकी डाउट लेने के लिए। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।